फोन कर दिया तो मतलब घर में भी है, कह रहा है देखने आए कार्यालय सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो शुरू बात करवा दिए तो मेहनत कर रहे हैं। देखो यहाँ कोई किसी को नहीं करवाता, यहाँ काम करवाता है, अब काम करवाए, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, अप्रोच नहीं, यहाँ काम नंबर वन पे हो रहा है। हमारा जो साथ कोई दे रहा है तो टीम अभी, क्योंकि अभी फ्रंटलों के बनाने हैं। हाँ मैडम, क्या बात है आज यहाँ का? आज यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, जैसे तैसे इस सरकार में जी रहा है, कटोरा तो पकड़ा ही दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, आए थे आज बाहर से, हमारा एक कार्यकर्ता सीरियस हालत है उसको देखने, और यहाँ जब देखा कि मेहमान नवाजी में रोड़ें ब्लॉक की गई हैं, चाहे कितना भी सीरियस हालत हो पेशेंट की, वो नहीं पहुंच पाएगा हॉस्पिटल में दम तोड़ दे, क्योंकि हमें मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है, हम भी चाहते हैं मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, लेकिन आज हमको यहाँ अरेस्ट करवा के बिठाया गया, अरेस्ट ही माना जाएगा, जहाँ भी जिस रोड पर जा रहा है हमको पकड़ा जा रहा है कि आप ट्रंप के लिए कुछ कहेंगी। अरे हम ट्रंप को क्यों कहेंगे, हम तो तुमसे ही, अपने मोदी जी से ही कहेंगे कि मोदी जी क्यों आज देख रहे हैं आगरा चमन कर दिया है आपने, जो करोड़ों रुपए बर्बाद करके, इतना करोड़ अगर किसान के खाते में चला जाता आज खुशहाल हमारा उत्तर प्रदेश का किसान हो जाता। यहाँ देखा है तो आगरा में हर जगह रो ब्लॉक कर दी गई है, जाने नहीं दिया है। मैं पूछती हूँ क्यों, आखिर इस सरकार से पूछना चाह रही हूँ, इस तरह से एक व्यक्ति के लिए आप रास्ता को ब्लॉक कर रहे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। क्या हाल है आज? हम लोगों को यहाँ पर ककवा पुलिस चौकी पर बैठाया गया है, और पुलिस का यह मानना है कि हम लोग शहर में जाएंगे तो उपद्रव कर सकते हैं, जबकि हमारी ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग किसान आंदोलन को लेकर लगातार गांव में, तहसीलों में, ब्लॉकों में अपना अभियान चला रहे हैं, और हाँ एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में आज ये चर्चा का विषय है कि एक राष्ट्राध्यक्ष के आने पर हजारों करोड़ रुपया पानी की तरफ बहाया जा रहा है, उससे बेहतर होता है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए खर्च किया जाता, तो आने वाले दिनों में भारत की बेहतरी और तरक्की होती। देखिए जैसा कि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की बदहाली चरम पर, किसान यहाँ का आत्महत्या कर रहा है, किसान की लगातार कई सालों से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जब फसल नहीं हुई तो किसान कर्जदार हो गया, जब कर्जदार हो गया कर्ज चुकाने की हैसियत में नहीं रहा तो वो आत्महत्या कर रहा है। इन परिस्थितियों में फिजूल खर्ची सरकार द्वारा ये उचित नहीं है, जो आज 1400 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये धन किसान हित में खर्च किया जाता तो इससे किसानों को लाभ होता, ये ज़मीनी हकीकत है। करते देंगे आप जी? मैं चंद्रमन पारा सर, हम अतिथि देवो भव का मतलब नारा हम लगाते हैं, हमारी ये हिंदुस्तान के कल्चर में, लेकिन इस कदर नहीं, हमारी हिंदुस्तान की इकनॉमी की इतनी नाजुक है, उसके ऊपर इतना बर्डन एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए खर्चा कर दिया जाए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान के वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी पॉकेट से अपना खर्चा करते हैं, सेल्फ खर्चा उठाते हैं, और हमारी सरकार ट्रंप के आने पर इतना बड़ा खर्चा कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये किसानों की मतलब स्थिति को देख करके, दयनीय स्थिति को देख करके ये सरकार गलत कर रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, बिजली खर्ची का पुरजोर विरोध करते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।